जब जिंदगी आपकी है तो रिश्ता वकील साहब क्यों तय करेंगे? मैं अपने फैसले करने के लिए खुद मुख्तार नहीं हूँ। दिल रुबा कॉटेज यही है जी। ये देखिए, बेसबब भी कभी कभी सबब बन जाते हैं। नौरीन मेरी पहली मोहब्बत थी। तो क्या उसके बाद और भी वारदातें होती रही? वैसे तो लंबी लंबी छोड़ते हैं। कैसा आ गया है जमाना दूसरे के माल को अपना बनाना। मैं कोई मदद नहीं कर सकती लेकिन रहनुमाई जरूर कर सकती हूँ। ओह माय गॉड, क्या हर एक का होता है ना, किसी एक का कभी नहीं हो सकता। आपकी दाना डालने की आदत गई नहीं? दरअसल मेरी आदत बचपन से है जो 55 तक चल रही है। हाय अल्लाह, चल हमें खिलाना तो सदका जारिया है। सही कहा, हमारा सदका जारिया है और तुम्हारे पास सदका आ रही है। चांदनी ब्यूटी पार्लर 50% ऑफ। अरे वाह जिब्रान, जिब्रान दवाई हिला के नहीं पीती क्या? हाँ लगता है आज कुछ ज्यादा हिला ली और उसने अपना असर दिखा दिया। ये जो तू उमराव जान के मुजरे देखता रहता ना, बंद कर दे, इसी ढंग की महफिल में ले जाने के काबिल नहीं रहेगा। एक तो आपको हमारी कोई अदा पसंद नहीं आती है। देख तू सिर्फ अपना फर्ज अदा करने पे तवज्जो दिया कर बस। अरे भाई और कितना फर्ज अदा करें, आपकी एक आवाज पर दौड़े चले आए हम। झूठा कसम से, हर वक्त जश्न आजादी का झंडा बना रहता है, लहराता बल खाता। और ये झंडा सिर्फ आपके सोग में ही सरनगू होगा। हाँ अरे कैसी बातें कर रहे, अल्लाह ना करे मेरी अभी उम्र ही क्या है। हो तो गई है क्या बोला? अरे भाई हमने आपका शनाख्ती कार्ड देख रखा है। देख रखा से बेहतर है कि देख के रख दिया कर। अच्छा ही बताएं बुलाया क्यों था आपने? हाँ वो चांदनी ब्यूटी पार्लर है ना, इस पे 50% ऑफ लगा है, जाके मेरी बुकिंग करवा के आ। बेगम साहिबा जो देखने में खुद 70% ऑफ हो उसके ऊपर 50% भी असर नहीं करता। जूती उठा के मारू तुझे, और फॉल भगता रहता है, है? काम के अलावा हर काम कर सकता है बस। अच्छा क्या हुआ उन किराएदारों का पता किया? जी एजेंसी वालों से कहकर आया हूँ, अभी बाहर जाऊंगा तो फिर मालूम करके आता हूँ। हाँ जा। चलता किस? चलता किस? और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इस पार्क में मौजूद हूँ, अभी अभी मैंने आपको इस पार्क की रिव्यू दी है। आई होप कि आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया है। मोहतरमा देख के तो चल लिया कीजिए। कि तुम क्या कह रहे हो कि मैं अंधी हूँ? मैंने ये कब कहा? अभी तो कहा है कि देख के चला करो। गलत, बिल्कुल गलत। क्या गलत, क्या गलत? मैंने कहा मोहतरमा देख के चल लिया कीजिए। अब तुम मेरी जबान पकड़ोगे? तो क्या पैर पकड़ूं आपके? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपने पाँव पकड़वाए। तो मैं भी कोई ऐसा वैसा गया गुजरा लड़का नहीं हूँ। एक तो मेरे ऊपर गिरी हो, इतने जोर की लगी है मुझे। लगता तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो। अब आप अपनी हद से गुजर रहे हैं। और बाय द वे इसको लात मारना नहीं टकराना कहते, और ये कौन सा तरीका है बैठने का? ये खालिस अवामी तरीका है। दामन फैलाए और बाजू फैलाए तो सुना है, लेकिन टांगे फैलाए पहली बार देख रही हूँ। देखा देखा है ना, यही कह रहा था कि मोहतरमा देख के चल लिया कीजिए। सिर्फ लड़की होने का लिहाज कर रहा हूँ, सिर्फ लड़की होने। वरना क्या करते? हाँ वरना क्या करते? अभी एक मिनट रुको, तुम तो देखो क्या क्या कर रही हो। एक तन्हा लड़की कितनी गैर महफूज होती है, और फिर इस तरह के लोग, और इसकी शक्ल तो आप गौर से देखें, गौर से देखें आप लोग। पता नहीं कितनी लड़कियों से ये बदतमीजी से बात करता होगा। और मेरी अगली वीडियो के लिए ना आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तुम पागल तो नहीं हो? ये कौन सा तरीका है किसी को बदनाम करने का? अरे वही पुराना। वैसे शुक्रिया तुम्हारी इस वीडियो की वजह से ना हजार लोग अभी देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। अच्छा कंटेंट था। क्या चीज है ये? अनोखा लाडला खिलन को मांगे अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद। दिलरुबा कहाँ गई है? सुनिए साहेब उनका नाम दिलरुबा नहीं खैरुन्निसा है। अच्छा
अब आप मुझे बताएंगे कि घर वाले उन्हें प्यार से दिलरुबा बुलाते थे। जो प्यार से बोलते थे ना, वो अब इस घर से तो क्या इस दुनिया से ही रुखसत हो चुके हैं। चाय गर्म थी क्या? नहीं। अगर चाय गर्म नहीं थी तो क्या वो जज्बात थे? तुम्हारी जुमलेबाजी की आदत नहीं जाती है? सारी बाजियों में से सिर्फ जुमलेबाजी की आदत रह गई है। मैं तुम ड्रामे क्यों नहीं लिखता? कैसे लिखूं, मुझे जानता कौन है? मेरा एक क्लाइंट है, वो ड्रामे बनाता है। देखिए लिख बाद में लूंगा मैं, पहले चांस तो दिलवा दीजिए। ठीक है मैं बात करूँ। वैसे एक बात बताइए, कैसे आना हुआ? यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा मिलता चलूं। देखकर रहिएगा, आजकल बहुत लोग गुजर रहे हैं। दिलरुबा कब आएगी? क्या देख रहा है भाई? देख रहा हूँ कि बेगम साहबा कहाँ तक पहुंची। क्या वाहियात हरकत है यार। शुरू किसने की थी? अच्छा बस वो आए तो उनको बता देना कि मैं आया। ठीक है, और कोई पैगाम? नहीं बस काफी है। सुनिए ये कोट उतार कर जाइएगा। क्यों? कोने पे डॉक्टर साहब रहते हैं। तो मैं क्या करूं? अरे आपने कुछ नहीं करना है, जो करेंगे वही करेंगे। हाँ हाँ संभाल के रखना, मैं आऊंगा लेने के लिए। खेलन को माँ, अरे हाय सब खराब हो रहा है। बहुत थक गई भाई, बस सफाई में लगा रहेगा। ये नहीं होता कि बेगम साहिबा से आके सामान ले ले हैं। वैसे आपकी शिकवे की ना कई वजूहात हैं। एक तो ये कि ये मेरी आंखें हैं, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं जो दाएं बाएं दोनों तरफ निगाह रखूं मैं। दूसरा ये कि घर की सफाई से फुर्सत मिलेगी तो अपनी सफाई में कुछ पेश करूंगा ना। तीसरा वो आए, ये कैसा जवाब हुआ? ये तो वो सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। जिब्रान, खुदा के वास्ते मुझसे सीधी जबान में बात किया कर, ये पहेलियां ना भुजवाया कर, बहुत थक गई। अरे भाई वकील साहब आए थे। अच्छा क्या कह रहे थे? दिलरुबा कह रहे थे। किसको? तुमको? हाय अल्लाह, मुझे क्यों कहेंगे। अरे भाई आपको कह रहे थे, पूछ रहे थे कि बेगम दिलरुबा कहाँ हैं। अच्छा उन्होंने ऐसा पूछा, फिर तुमने क्या कहा? मैंने ना इन दोनों उंगलियों के बीच में देखा। किसको देखा? आपको। दो उंगलियों के बीच में से क्यों देखा? कि आप यहाँ पर जो नहीं थी ना। तो क्या मैं नजर आई? नहीं। तो फिर क्यों देखा? हाय अल्लाह, काश हमारी अम्मा हमें लॉन के झूले के बजाय एडी के झूले में फेंक कर चली आती, कम से कम इतने सवालों के जवाब तो नहीं देने पड़ते। अच्छा चलो जज्बाती ना हो। हाय हमारे अब्बा ने हमारे लिए इतना कुछ छोड़ा लेकिन भरोसा नहीं किया, पावर ऑफ अटॉर्नी वकील मनहूस को दे दी। शर्त भी ऐसी कि वकील के बगैर पूरी ना हो। आप कहें तो बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक लगवा दूं। यहाँ जान पे पड़ी और तुझे म्यूजिक सूझ रहा है मनहूस। अच्छा बता वो क्या हुआ किराएदारों का, मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है हर वक्त। हाय अल्लाह मुफ्त की, लाख दफा समझाएगी जनान अंदाज में, हाय अल्लाह मत किया कर। मुफ्त की रोटियों का इल्जाम लगा दिया, इतनी मेहनत तो करता हूँ मैं। क्या खाक काम करता है, एक महीना पूरा हो गया तू एक किराएदार नहीं ला सका, बोल। अरे भाई कोई एक होता तो मसला ना होता ना, यहाँ तो तीन कमरे हैं और तीन अलग अलग लोगों को देने। हाँ तो क्या एक को दे दूं ताकि बाद में वो जान को अटक जाए। अच्छा मैं गया था एस्टेट एजेंट के पास। हाँ तो क्या कहा उसने? क्या कहा बोल ना। कह रहा था कि इस घर में चुड़ैल रहती है। उसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तूने क्या कहा? मैंने कहा कि खबरदार जो मेरी बेगम साहबा को चुड़ैल कहा तो। दफा हो जाए यहाँ से वरना जूता उठा के मारूंगी। दिलरुबा कॉटेज यही? नहीं, तख्ती पर यही लिखा है। जब तख्ती पर लिखा हुआ है तो दरियाफ्त करने की क्या जरूरत? कंफर्म कर लेना।
अच्छी बात है। कंफर्म। वैसे कंफर्म करने और खोज लगाने में फर्क होता है। अब क्या सारी बातें यही कर लोगे? मेरा कमरा कहाँ है बोलिए? तो ये आपका कमरा कहाँ से हो गया? वक्ती किराएदार। चलिए चलिए। सुनिए, कमरे में दाखिल होने से पहले ये शरायत नामा है, इस पर अंगूठा लगा दीजिए। ये रहा शरायत नामा। इतनी सारी शरायत किस लिए? शर्तें लगाने के लिए। क्या मतलब? आप वाकई ऐसे हैं या बन रहे हैं? देखिए, नाश्ते का टाइम सुबह 9 से 10 है, उसके बाद टेबल इस्तेमाल करने की इजाजत ना होगी। ये क्या बात हुई? सौदा मंजूर है या कैंसिल कर दूं? हाँ हाँ, मंजूर है मंजूर। ठीक है, फिर कल अपने साथ एक गवाह लेकर आ जाइए। कमरा ले रहा हूँ किराए पे, निकाह के लिए लड़की नहीं, गवाह ले आइएगा। अरे आप तो नाराज हो गए। ठीक है, आपकी तरफ से गवाह जो है वो मैं बच जाऊंगा, बस थोड़े से पैसे ज्यादा होंगे। तो लॉक कर दूं? लॉक कर देंगे तो मैं रहूंगा कहाँ? बहुत नाटकी है आप, कहतार है। ठीक है, कल अपना सामान लेकर आ जाइए। ठीक है, चलते हैं। रुको, ये सुबह सुबह कहाँ मटर गश्ती हो रही है? बेगम साहिबा, ये मटर के किरदार पर ना तोहमत ना लगाएं, इतनी उर्दू तो हमें भी आती है। बस इतनी ही आती है, एक बात कान खोल के सुन लो, ये जो जुमले है ना इनको पकड़ना छोड़ दो। तनख्वाह पकड़ाती नहीं है, जुमले मैं ना पकड़ूं? आप खुद ही सोचने, ये खाली हाथ किस कदर वीरान लगेंगे। हाय सत्यानाश, माँ की ख्वाहिश थी कि बेटी हो, बाप की ख्वाहिश थी कि बेटा हो, अल्लाह ने दोनों की सुन ली और ये स्पेशल पैकेज डील मिल गया। ऐसा क्या कह दिया मैंने? खाली हाथ लड़कियों के बुरे लगते हैं। हाथ किसी का भी लगे बुरा लगता है। बस बातें बनवा लो इससे। क्या हुआ किराएदारों का? एक तो फंस गया। क्या ऑल फॉल बक रहा है? अरे भाई, मेरा मतलब है कि एक पंछी आकर जा चुका है। आखिर चोट आया था तो जाने क्यों दिया तुमने? अगर जाने ना देता ना तो उसका रहना मुश्किल हो जाता। कैसे? अरे भाई, वो कपड़ों के बगैर, मेरा मतलब है कि सामान के बगैर ही आ गया था। हाय अल्लाह, ईमान से तेरी अम्मा की कसम का ख्याल आ जाता है, वरना जितना तंग तुमने मुझे किया ना, कोई और होता उसको कब तक घर से बाहर निकाल देती। तो हम भी अपनी अम्मा की कसम की वजह से यहाँ ठहरे हुए हैं, वरना 2 टके की इज्जत नहीं है हमारी। इस महंगाई में तो डॉलर की इज्जत नहीं रही, तुम टके को रो रहे हो। हम तो महाव्रतन कह रहे थे। अच्छा सुने, बाकी 2 पंछी जो है ना वो कल आएंगे, हम किचन में जा रहे हैं। शर्म आ गया इस टाइम पे। जी फरमाइए। दिलरुबा कॉटेज यही है? जी, वो घर पे बाहर लगी हुई तख्ती सी बात का सबूत। जी वो तो है, मेरी दिलरुबा साहिबा से मुलाकात हो सकती है? क्यों, अभी तक हुई नहीं क्या? खैर, कैसे आना हुआ आपको? वो मेरे इल्म में आया कि ये मकान किराए के लिए खाली है। मकान नहीं, सिर्फ कमरा। उसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। मैं भी जिब्रान को बुलाती हूँ, आपको कमरा दिखा दे। हाय अल्लाह, क्या टाइम पर एंट्री दी है मैंने। किसने? तेरी खुशी बता रही है तेरे दिल का फसाना। जाओ जाके इनको ऊपर वाला कमरा दिखा दो। मशरकी अंदाज इनको। चले भी आओ के गुलशन का
कारोबार चले। जिब्रान हर वक्त की बेगैरती अच्छी नहीं होती, जाके इनको कमरा तो दिखा दो। Excuse me. जी, कुछ कहा आपने? जी, मुझे वो कमरा देखने के लिए जाना था। हाँ, देख ली। रास्ता? जाए? पर रास्ता थोड़ा सा। ओह सर। आइए। ये देखिए, वेस्ट ओपन है। मुझे मालूम है वेस्ट काफी ओपन है, वैसे अब ईस्ट भी काफी ओपन हो गया। हाँ सही कह रहे हैं, वैसे इस वबा ने सब और सब अब दोनों को क्लोज कर दिया था। खैर मैं तो आपसे इस कमरे के ज्योग्राफिया के बारे में बात कर रहा था, लेकिन आप तो गूगल ही खोलकर बैठ गए। अरे नहीं नहीं, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, मैंने जो कहा वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अच्छा, ऐसा करते हैं कि फिलहाल आपके पॉइंट को ऑफ करते हुए इस कमरे के व्यू पर फोकस करते हैं। क्या तुम आर्टिस्ट हो? हाय अल्लाह, आपने कैसे पहचाना? ऐसी बातें सिर्फ एक आर्टिस्ट ही कर सकता है। आप एक काम करें, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ और साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी। फिल्म का? वैसे फिल्म तो आप भी मुझे लग रहे हैं, छोटे पर्दे की बड़ी फिल्म। मैं आता हूँ। जिब्रान, ओ जिब्रान किधर है? क्या हो गया बेगम साहब, इतने तैश में क्यों पुकार रही हैं? एक घूंट लेने के बाद गला घोटने का दिल चाह रहा है मेरा। आए है, ऐसा गजब मत ढाइएगा, आप चले गई तो आपके बाद हमारा ख्याल कौन रखेगा? हजार बार तुम्हें बताया है कि सुबह की चाय पे मैं कोई समझौता नहीं कर सकती। भाई चाय की पत्ती अगर दो नंबर मिल रही है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अपने दो रुपए बचाने के लिए सस्ती पत्ती लाया होगा। काम वाम करता कुछ नहीं है, बस मुफ्त की बातें बनाते रहते। चले, कुछ तो मुफ्त में बन रहा है। और क्या हुआ उस किराएदार का, क्या सामान लेने वाला है चला गया? जा जाके देख कहीं सामान के साथ आया ना हो। ओहो, अपना सामान लेने आए होंगे। अपनी जबान को तालू से लगा लिया कर। और हाँ, कितने किराए की बात हुई थी? अब बोलता क्यों नहीं? अरे भाई कैसे जवाब दूं, जबान जो तालू से लगी हुई थी मेरी, और कितना कहना मालूम है आपका। अच्छा जाके बाहर देख वो चला ना जाए। ऐसे गुस्से से ना देखा करें, पूरा दिन खराब गुजरता है मेरा। चप्पल उठा क्यों के जाता है? खबीस। हेलो व्यूअर्स, और मैं हूँ शबाना, और जैसे कि आप सब देख सकते हैं मैं यहाँ मौजूद हूँ दिलरुबा कॉटेज पे, जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पे एक चुड़ैल रहती है। मजीद मालूमात के लिए मेरी अगली वीडियो का वेट करें एंड स्टे इन टच गाइस। आपका नाम? शबाना। शबाना, दिन में क्यों आ गई? गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। मेरा नाम शबाना है, मेरी आपसे बात हुई थी कॉल पे किराए के लिए। लेकिन फोन पर तो आपने कोई और नाम बताया। अच्छा, अब सारी बातें यहाँ पे करनी है या आप मुझे कमरा भी दिखाएंगे? देखिए, आप जो जो कहेंगी हम वो करेंगे। मुझे जिंदा दिल लोग ना बहुत पसंद, बहुत ज्यादा। अगली वीडियो ना मैं आपके साथ जरूर करूंगी। हूँ, बस ख्याल रखिएगा कि ये अगली जो है वो इंग्लिश वाला ना हो। चलिए कमरा दिखाऊं आप। Thank you.
तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए हो। एक मिनट, पीछा करने वाला बाद में आता है। उस दिन भी सॉरी किए बगैर चली गई थी आप। तुम एक सॉरी के लिए जिंदा हो क्या? क्या बात है, मैं आपसे उस दिन भी यही कह रहा था कि मैं सिर्फ आपके लड़की होने का लिहाज कर रहा हूँ बस। अच्छा, धमकी? ठीक है, फिर मैं राशिद खान हूँ, क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे? क्या तुम किस तरह की बातें करती हो, जब देखो लड़ती रहती हो यार। लगता है एक और वीडियो ना वायरल करनी पड़ेगी। तुम जैसे लोगों की वैसे सोशल मीडिया खराब हो। और तुम जैसे खराब लोग जो सोशल मीडिया देखते हैं। मैं देखता ही नहीं। अच्छा, तो फिर साहब को अभी इल्हाम हुआ है कि सोशल मीडिया खराब है? साहब के कान हैं, साहब सुन सकते हैं, और साहब ने सुना है कि सोशल मीडिया खराब हो रहा है। और सुनी सुनाई बातें दूसरों तक पहुँचाने वाले ना झूठे होते हैं, और झूठे लोगों पर खुदा की तरफ से लानत। तमीज, मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारे लड़की होने का लिहाज कर रहा हूँ, सिर्फ लड़की होने का। वकील साहब, आज आपने खुद पे कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं दी हुई। आपने देना छोड़ दिया तो मैंने कहा एक काम मैं खुद ही कर लूं। दरअसल मेरा बहुत मूड है। हाय अल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं? किसी को कुछ अंदाजा है कि हमें यहाँ क्यों बुलाया? नहीं अशफाक साहब, नहीं, हमें तो कोई अंदाजा नहीं। अर्ज किया है कि कैसे कैसे से पड़ गया पाला। भाई वाह, क्या गिरा लगाई है। अशमत साहब, गिरा ना लगाएं, इसको कमरे में बंद करके कुंडी लगाएं ताकि ये बाहर ना निकले। आपकी खास तवज्जो चाहती हूँ मैं। हाँ। कैसे कैसे से पड़ गया पाला, जलने वाले तेरा मुंह काला। भाई वाह वाह वाह, क्या ख्याल है, क्या सलूक है। मेरे ख्याल से तुम अपने तर्ज की वाहिद शायरा। खुदा का शुक्र है कि वाहिद ही है, जमा नहीं, क्योंकि इस जैसे कुछ लोग अगर जमा हो गए तो कम से कम लाठी चार्ज करवाना पड़े। तुम क्या बातें। इस तरह बुलाने का क्या सबब है? बेसबब भी कभी कभी सबब बन जाते हैं। ये पंखा झलते हुए क्यों लाए हो तुम? ताकि ये सिर्फ दहकती रहे, भड़के ना। क्या मतलब? हमारे खानदान का असूल है कि जब भी हमारे यहाँ कोई खास मेहमान आता है तो हम उसका इस्तकबाल ऐसे ही करते हैं, पंखा झलते हुए। अरे भाई, आप लोग नहीं समझेंगे, दरअसल बात यह है कि ये खानदानी पंखा बादशाहों के जमाने का था और उस पर गोटे जरी का काम हुआ था। तो इसका उससे क्या ताल्लुक है? किसी मनहूस ने उसपे से गोटा चुरा लिया, असली सोने के तार थे। लेकिन अब तो तार तार हो चुका है, बस इस रिवायत को आप अलामत के तौर पर मनाया जाता है ताकि हमें अपने पुराने बुजुर्गों की याद आती रहे। आज सबको बुलाने का मकसद ये था कि आप सबको इस घर के जरई असूलों से रोशनास करा सको। ठहरिए, एक बात रह गई। अब भी कुछ बाकी है? जी, बहुत जरूरी बात है। सब कुछ तो बता दिया बेगम साहब ने। बस एक बात बाकी रह गई, अब वो भी बता ही दो। देखिए, बात दरअसल ये है कि ये घर जो है इंतहाई जदीद खतूत पर तैयार हुआ है। हर कमरा खुद मुख्तार है, इसलिए जितना पानी और बिजली इस्तेमाल करेंगे उसका हिसाब अलग देना होगा। क्या मतलब? अरे भाई, मतलब ये है कि आप लोग अपने किए के खुद जिम्मेदार होंगे। बिजली और पानी का जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके अखराजात में इजाफा होगा। शुक्रिया। ये क्या था? ऐलान खत्म। अरे नहीं, कर लेंगे। कितनी बार कहा इस तरह लहरा लहरा के ना आया कर। मौजे सबब पे कंट्रोल कहाँ रहता है? रोज रोज ये जनानगी बढ़ती ही जा रही है तुम्हारी। चले, कुछ तो जा रही है, वरना तनख्वाह कहाँ आ रही है?
अच्छा एक बात बताएं आपको। बोलो। छोड़ो पहले देखो बाहर कौन है। वकील साहब होंगे। हैं? तुम्हें कैसे पता? दिल को दिल से राह होती है ना। जिस राह पे तुम चल रहे हो ना, वहां से राह फरार का बंदोबस्त भी कर लेना। आइए आइए वकील साहब, आइए आइए। बेगम साहब न जाने कब से परेशान है, सुन लीजिए। अंजी भाई क्या हो गया भाई, क्यों परेशान है, खैरियत? बस अब्बा जी ने ऐसी शर्त रख दी है जो पूरे होने का नाम ही नहीं ले रही। आप कोई ढंग का नाम ले लें, अभी पूरी हो जाएगी। वकील साहब आज आपने खुद में कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं दी हुई। आपने देना छोड़ दिया तो मैंने कहा एक काम मैं खुद ही कर लूं। आज आप चहक भी बहुत रहे हैं, खैर तो है? परिंदों का काम ही चहकना। चहकने और बहकने में ज्यादा फर्क नहीं होता, ख्याल रहे। मुझे लगता है खैरुन्निसा कि अब हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ आना चाहिए। जब आता है तो उसको कहीं और मोड़ देते हैं। गाड़ी का स्टेयरिंग तो आपसे ठीक तरह मोड़ा जाता नहीं। आए हैं बड़े जिंदगी का मोड़ मोड़ने वाले। उस दिन मेरे कंधे में दर्द था। ये दर्द वैसे दायमी लगता है आपका? ये दायमी के साथ दर्द का लफ्ज कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। जिसके साथ लगता है वो यहाँ बोलना मुनासिब भी नहीं है। अभी तुम तो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार बैठी हो। अस्सलाम वालेकुम। कहा था ना कि मैं आऊंगी, एक घंटा बैठूंगी और फिर चली जाऊंगी। भाई क्या करे, नॉर्मल बात भी ना मुझसे शायरी में होती है। अदबी उफक में जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। पसंद करने का शुक्रिया। ताज़ा कलाम आपकी नजर। बाग में काटे गया वो घास, हाथ में छुप गई उसकी फांस। पेड़ से कैरी तोड़े कैसे, हाथ में खाना उसके पास। डॉक्टर के जब पास वो पहुँचा, डॉक्टर बोला जोर से खास। घर पर आकर मिर्च उतारी, जरा न निकली उसकी धास। मुझे आपका इंतजार रहेगा और आपको मेरा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक पहुंचे। जिब्रान भाई, मेरा चाय पीने का बहुत मूड हो रहा है। ये बात आपको चाय ने बताई? अरे नहीं, दरअसल मेरा बहुत मूड है। हाय अल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं? मेरा चाय पीने का मूड हो रहा है, बना दोगे? हाँ बना तो दूंगा, लेकिन कानून शिकनी का जो जुर्माना है वो आपने अदा करना होगा। कैसा जुर्माना? अरे भाई बेवक्त चाय का मुतालबा जो है कानून शिकनी के जिम्मे में आता है। अच्छा 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 अच्छा, कबूल है कबूल। अरे खबरदार, जो तीसरी दफा बोला बात चाय और मिजाज की और आवाज रिश्ता इस्तेमाल की। जिब्रान तो मुझे हैरत अंगेज तौर पर मुतासिर कर रहे हो, तुम बकायदा एक जहीन आदमी लगते हो मुझे। बस साहब जी क्या बताऊं। चलो नहीं पूछते, ये बताओ कि वकील साहब यहाँ क्यों आए थे? क्यों, आप तो चुप चुप कर देख रहे थे, आपको नहीं पता? क्या मतलब? अब देखिए ना साहब जी, इस छत के नीचे जो कुछ होता है उसकी खबर तो रखनी पड़ती है ना। तुम बगैर सबूत के ऐसी बात कैसे कर सकते हो? ये देखिए, हाँ अब तुम ये बात कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास सबूत मौजूद है। तो इस सबूत का अब तुम करोगे क्या? बात तो क्लियर होगी है ना? साहब जी बात तो क्लियर हो गई है, लेकिन मोबाइल की मेमोरी क्लियर नहीं हुई। तो एक बटन दबाओगे तो क्लियर हो जाएगी। वो बात यह है कि बटन पर जब तक वजन नहीं रखेंगे दबेगा नहीं। बहुत शरारती हो गए तुम, समझ रहा हूँ मैं। करते हैं कुछ भाई, तुम्हारा वजन कम।
ये लो। वजन थोड़ा कम है और बढ़ा दीजिए। ओहो, अब वजन बराबर हो गया। चलो, तो वकील साहब के बारे में कुछ बता रहे थे तुम, क्या कह रहे थे वो? खैरुन्निसा साहिबा जी, आप कहीं जा रही हैं? जी हाँ, यहाँ बाजार तक जा रही थी। वैसे आपकी तैयारी देख के लग रहा है कि आप भी कहीं जा रहे हैं। दरअसल मेरा बचपन से ही ये शौक है कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो तैयार होकर निकलता हूँ, और तैयारी में ज्यादा टाइम नहीं लगता, फौरन तैयार हो जाता हूँ। किसके लिए? आपकी हिस्स बड़ी अच्छी है, अब आप भी बेहतर कर लीजिए। हाँ जी जरूर। एक्चुअली मुझे मार्केट जाना है, कुछ जरूरी सामान लेना है, तो मुझे यहाँ की मार्केट्स का पता नहीं, कुछ मदद अगर मेरी हो जाए तो। नहीं नहीं, मैं मदद नहीं कर सकती, लेकिन रहनुमाई जरूर कर सकती हूँ। ओह माय गॉड, क्या जौक पाया आपने, तो रहनुमाई फरमाएं प्लीज। फॉलो मी। मैं हूं शबाना आपके साथ, और आज हम मेरे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शबाना और आज मैं आप लोगों को तो आप ये दरवाजा क्यों पीट रही थी? ताकि मैं तुम्हें पीटूं। देखिए मदामा, अब आप हद से बढ़ रही हैं। मैं आपके सिर्फ लड़की होने का ख्याल करता हूँ। ख्याल करने के लिए नहीं, रखने के लिए होता है। और ये कौन सा पागलपन है, इस वक्त कौन हथौड़ा मारता है दीवार पे? तो वक्त आप बता दें। जब मैं घर पे ना हूँ, मैं इस वक्त लाइव वीडियो कर रही हूँ, और इस शोर की वजह से ना मेरी वीडियो खराब हो रही है। तो उसमें अच्छा होता क्या है, बिला वजह की शायरी के अलावा? ओए मिस्टर, मेरी शायरी को कुछ मत कहना, लाखों लोग सुनते हैं। हाँ, और लाखों पसंद भी करते। बस 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 बस, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे मुल्क में तालीम का क्या रुझान। बिला वजह की तुकबंदी शायरी का नाम दे दिया। तो तुमने कौन सा कारनामा कर लिया है? हाँ, बस दूसरों की कामयाबी से चलते रहो तुम। और कान खोल कर एक बात सुन लो, अब अगर आवाज आई ना तो अच्छा नहीं होगा। जिब्रान, जिब्रान आ गए आप लोग? भाई बहुत महंगाई हो गई है, हशमत साहब के हाथों से सामान ले लो और इनका सामान अलग कर दो। सामान को अलग करने की क्या जरूरत है? ठीक तो कह रहा है। ऐसा करें, जरूरत का थोड़ा और सामान ले ही आए। तुम बता देना, मैं ले आऊंगा। अरे भाई, मैं क्यों बताऊंगा भला, जिसको जरूरत होगी वो खुद बताएगा ना। जिब्रान, आजकल बहुत जबान नहीं चलने लगी तुम्हारी? यहाँ लोगों का बस नहीं चल रहा है और आप जबान की बात कर रही हैं। बस मुज़क्किर नहीं, मोनस होती है। अरे भाई, मोनस से जुमला खराब हो जाता है ना। अच्छा ये बताएं, रात को क्या पकाऊंगा? रात को, हाँ, बादाम का कोरमा, आप खाते?
अरे क्या बात है, बादाम तो खत्म हो गए। हाँ तो मेरे बादामों में से सामान निकाल लो। क्या? मेरा मतलब है मेरे सामान से बादाम निकाल लो। बादाम और बेदाम, हसीन इम्तिजाज, आकबी निगाहें, हाय मार डाला। बहुत शरारती है ये। मैं चलती हूँ, मिलते हैं कोरमे पे। बादाम वाले? ओह गॉड, सारे बादाम ले गया। क्या कोरमा बनाया आज तुमने? उसको याद आती है माँ जब बनाता है वो कोरमा। इसमें माँ कहाँ से आ गई? माँ कहीं भी आ सकती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ भाई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो अब एहसास हुआ कि इस सालन में माँ का एहसास शामिल है, उसकी तड़प शामिल है। अश्मा साहब, आपने यहाँ आने का सबब नहीं बताया। क्या बताऊं मैं, बड़ी दुखी कहानी है। मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी शादी करना चाहिए और मैं भागकर यहाँ आ गया। आपके साथ जबरदस्ती क्यों की थी? ये तो लड़की के लिए कहना चाहिए था। मिट जाएगी इसकी हस्ती अगर हुई शादी जबरदस्ती। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता। वाह क्या बात कह दी बच्ची ने, वाह वाह वाह। ना मैं अपनी हस्ती मिटाना चाहता हूँ और ना अपनी प्यारी और अजीम मोहब्बत को भुलाना चाहता हूँ। तो आपने भी प्यार किया था? अब मेरा मतलब है मोहब्बत। हाँ, मैं और नौरीन एक साथ पढ़ते थे। तो कोई वजीफा पढ़ते थे मोहब्बत के लिए? क्या बकवास कर रहे हो, नौरीन के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। वो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग थी। अलग मिजाज की थी, तभी अलग हो गई लगता है। बात हो गई, कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। अल्लाह की कसम आशमा साहब, हमने कुछ नहीं किया है, इन्होंने किया। वो तो जिम जाता है, मैं उसका क्या करूं। आशमा साहब बैठ, कोई हाथ पकड़ के बिठा दे तो बैठ। हाँ बैठ जाता। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक इंसान इतना सीरियस होके अपनी जिंदगी के चगड़े जिंदगी के बारे में बता रहे हैं और तुम बार बार इंटरप्ट कर रहे हो। चुप रहो तुम। आप बताए ना नौरीन के बारे में बताए। इनफैक्ट मैं आपकी वीडियो बनाकर फेसबुक पे लगा लेती हूँ। क्या वाकई? हाँ हाँ, और फिर क्या पता आपको आपकी मोहब्बत मिल जाए। Are you serious? नौरीन मेरी पहली मोहब्बत थी। तो क्या उसके बाद और भी वारदातें होती रही? वारदातों से क्या मुराद है अश्मत साहब, ऐसे लगते हैं तुम्हें? अरे आप भी बोंगे हैं। कल भी वारदातों के बारे में पूछा। ओहो वो तो फिर जारी और सारी रही। अरे मोहब्बत तो बहते दरिया का नाम है और दरिया जाकर सिर्फ समंदर में गिरता है, जिसमें डूब जाने को दिल करता है। अरे वाह वाह, बताए आप। हाँ तो बना लो, फ्रेम बनाओ। अच्छा सुनो, ऊपर ऊपर का फ्रेम बनाओ, मैं जरा, है ना, जरा अच्छा लगेगा। जी बेगम साहब, आपने याद किया? इसके चेहरे में फंस गया था ना आपको। अरे बेगम साहबा, क्या बताऊं मैं आपको, वो जो हशमा साहब है ना, उनकी प्रेम कथा सुन रहा था। बेचारे बहुत दुखी हैं। तो इलाज करें अपने दर्द का। कह रहे थे कि अगर घर वाले शादी के लिए जबरदस्ती ना करते ना तो कभी घर नहीं छोड़ते। वैसे तो लंबी लंबी छोड़ते। और लड़की जो थी ना उनसे 20 साल छोटी थी। तो जबरदस्ती तो लड़की के साथ हुई ना? नहीं वो तो राजी थी। अच्छा, हैरत है। हाँ अरे भाई, वो कहते हैं ना, एक तो इनकी इनकम, दूसरे उनके दिन कम, बस यही वाला हाल है। पता नहीं बात कहाँ से शुरू करता है, कहाँ ले जाता है। वो जुलेखा खाला नहीं है, उनकी बेटी का इनविटेशन आया शेंदी का। ओहो ये क्या रिवाज शुरू हो गई शेंदी मेहंदी, क्या हो गया आजकल की नस्ल को? क्या हो गया भाई, भला कोई दुख है? मेहंदी शेंदी, अब शलीमा भी शुरू हो गया है। मुझे तो डर है कहीं शलाक ना हो जाए। तौबा, एक और रिवायत थी, लड़कियां शर्मा की माइयों बैठती थी, उनको उपटन लगती थी। आय हाय हाय, हर क्या रूप होता था दुल्हन पे, अब थोड़ी ऐसा होता है। बस रहने दे बेगम साहबा, उपटन लेप लेप कर मैल निकालने से रूप निकले ना निकले मैल जरूर निकल जाता है। हाँ सारे माइयों का मजा किरकिरा कर दिया तुमने, मनहूस। अच्छा ना, आप नाराज ना हो ना, आज भी माइयों में लोग ढेर सारा उपटन मलते हैं। अब कहाँ मलते हैं? वहाँ जहाँ पाई की किल्लत है। दफा हो जाए तो यहाँ से, गेट आउट।
एक बार मेरा यूट्यूब चैनल चल जाएगा ना फिर देखना। अभी नहीं देख सकते? देख सकते, बिल्कुल देख सकते। खाला ने एक लड़के का बताया था, देखिए कैसा निकलता है। है, है लड़का है कि खरबूजा, ख्याल लाए कहीं मीठा ना निकल आए। क्या हुआ, चाय किसने मांगी? किसी ने नहीं, बस बोर हो रहा था, सोचा आपके साथ बैठकर गपशप कर लूं। अरे आओ आओ बैठ। आपने तो खूब सामान इकट्ठा किया हुआ। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार मेरा यूट्यूब चैनल चल जाएगा ना फिर देखना। अभी नहीं देख सकते? देख सकते, बिल्कुल देख सकते। एक वीडियो ना मुझे तुम्हारे साथ जरूर बनानी है। नहीं भाई, नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे? अरे वो तो कमेंट्स के बाद ही पता चलेगा ना। अच्छा एक बात तो बताओ, इस घर में क्या कोई एक्टिविटी नहीं होती? एक का इंतजार है फिर होगी। किसका? बेगम साहबा की शादी का। तो वो क्यों नहीं हो रही? वकील साहब की वजह से। क्यों, वो मान नहीं रहे? हाँ कुछ ऐसा ही है। तो क्या वो बेगम साहब को चाहते हैं? लगता तो ऐसे ही। तो क्यों नहीं मान रहे? अरे भाई जो भी रिश्ता लेकर आता है ना उसे भगा देते हैं, और ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि नीलाम घर में जो भी जीतने वाला होता है ना वो नाक रगड़ कर चला जाता है। अच्छा ये बताओ, ये शकूर जो है ये असल में करता क्या है? बच्चों को पढ़ाता है और थिएटर में एक्टिंग करता है। लेकिन तुमसे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। वो कैसे? गौर से सुनो, एक तरीका है मैं बताती हूँ। जिब्रान, जल्दी से नाश्ता बना दीजिए। सॉरी मैं नहीं बना सकता। क्यों, क्या तुमको नौकरी से निकाल दिया गया? नहीं, इस नौकरी की वजह से ही नहीं बना सकता मैं। लेकिन ये जिम्मेदारी तो आपकी है। जी बिल्कुल मेरी है। तो ये सामने घड़ी देख रहे हैं आप पूरे 15 मिनट लेट हैं। लेकिन मेरी इस घड़ी में वक्त कुछ और है। तो फिर एक काम कीजिए, आप उसी से बनवा लीजिए, जिस तरह PST होता है ना इसी तरह HST। और ये HST क्या होता है? हाउस स्टैंडर्ड टाइम। पर अब वक्त हुआ चाहता है शबाना साहिबा का। जिब्रान नाश्ता ले आओ। मोहतरमा ये मेरा वक्त है। एक स्ट्रगलिंग एक्टर का ना कोई वक्त नहीं होता, सिर्फ चांस पर होता है। लेकिन मेरे पास अभी भी 10 मिनट बाकी। नाश्ता करने तुम मेरे साथ बैठा। उसकी कोई जरूरत नहीं। नाश्ते की या मेरे साथ करने की? दोनों की। तुम अदाकार ना सिर्फ जबानी बातें करते हो, आज तो मेरा लड़की होने का लिहाज ही नहीं कर रहे। उसी के लिहाज में खामोश हूँ। इतनी देर से तो बोल रहे हैं। देखिए मैं भी अपने उसूलों के आते मजबूर हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अनोखा लाडला हीलन को मांगता। बिजली और पानी का बिल तो इस दफा कुछ ज्यादा ही आ गया। ये तो मसले की कोई बात ही नहीं है। मसले की बात है ना। वो मसला ही किया जो जिब्रान ना हल कर सके। वो कैसे? बहुत आसान तरीका है, ये सारा खुद का निजाम जो है वो आपके भाई का ही चलाया हुआ है। तो उससे क्या होगा? वही होगा जो होना चाहिए। मेरा बिजली और पानी का बिल कम कैसे आएगा? अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये
कि नल खोलेंगे आप और पानी आएगा बराबर वाले नल के से। लेकिन पानी अगर बराबर से आएगा तो मुझे क्या फायदा होगा? ओहो भाई, उसका बोझ आप पर नहीं आएगा। और बिजली के साथ क्या होगा? अरे होना क्या है, पंखे की हवा आप खाएंगी और बिल आएगा बराबर वाले का। बहुत चालाक खातून, बहुत चालाक आदमी हो भाई तुम। अच्छा हाँ हाँ, क्यों नहीं, बनता है तुम्हारा। ये लो रखो। जो मेरा ख्याल करता है मैं भी उसका ख्याल। बस ठीक है, इतना ख्याल काफी है। बहुत फजूल खर्च हो गए हो तुम। गंदा है पर धंधा है। गंदे आदमी तो हो तुम। कैसा आ गया है जमाना, दूसरे के माल को अपना बनाना। हाँ शबान। मैं देख रही हूँ आजकल तेरा ध्यान घर के कामों में कम और किराएदारों में ज्यादा है। अगर मैं उन पर ध्यान ना दूं ना तो वो घर का सत्यानाश कर देंगे। वैसे एक बात बताइए, ये आज दिन में रुखसती क्यों चल रही है? अजीजुद्दीन का फोन आया था। आपके कौन से अजीज का फोन आया था? खोज लगाना छोड़ दे, वकील साहब का फोन आया था, कह रहे थे कि शाम को कोई खास मेहमान आने वाला है। कौन आ रहा है? चल हट पगली, मशे की लड़की ऐसी बातें को थोड़ी बता सकती है। कह रहे थे कि उनकी कोई खाला है, उन खाला की हमसाई है, हमसाई के भांजा है, भांजी का भतीजा, वो आ रहा है। ये तो बहुत करीबी रिश्ता हुआ। अच्छा एक बात बताएं हम आपको, जितनी रुखसतियां आपने सुनी है ना, इतनी तो रेडियो पर भी नहीं चलती है। रेडियो? रेडियो से वो लड़का याद है, क्या कमाल परो गराम करता था वो, क्या नाम था उसका? मुझे क्या पता क्या नाम था। अरे वही ना जो बड़ी मुश्किल से उर्दू बोलता था। मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारे पास हूँ रजिया, मैं तुम्हारे पास। वही वाला, वो रिजवान जैदी। अरे हाँ हाँ वही भाई, क्या परो गराम करता था। अरे लड़का कहाँ से हो गया, वो अच्छी खासी पक्की उम्र का था। अब ऐसा भी नहीं है। अरे ऐसा ही था, सिर्फ लड़कियों की कॉल उठाता था वो, जब भी मैंने कॉल की मजा ले जो उसने एक बार भी कॉल उठा ली हो। तुमने गलत जगह ट्राई की, वरना जिनके नखरे उठाए जाते हैं ना, कॉल भी उन्हीं की उठाई जाती। अम्मा मेरे बाबा को भेजो रे कि सावन आया। अम्मा मैं ये क्या कर रहे है? देख नहीं रही, सजा रहा हूँ। ये कौन सा 14 अगस्त का महीना है जो तू जश्न आजादी की लाइटें लगा रहा है? अरे अगर रिश्ता तय हो गया तो आजादी ही होगी ना। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, जब जिंदगी आपकी है, घर आपका है, तो रिश्ता वकील साहब क्यों तय करेंगे? बस यही बात तो मुझे भी अब्बा हजूर की समझ में नहीं आई। सारी जिंदगी बच्चों के लिए इतना कुछ किया लेकिन कभी भरोसा नहीं किया। आ गए, जा जाके देख अजीज है या मेहमान। आपके लिए तो दोनों ही अजीज हैं। जाओ फजूल बातें ना करो। आइए। हे माशाल्लाह, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। सिर्फ आज? मेरा मतलब था आज भी, आज भी बहुत प्यारी लग रही है। वैसे कभी कोई बात बगैर मतलब के भी की जा सकती है। आ कौन रहा है आज? खाला ने एक लड़के का बताया था, देखिए कैसा निकलता है। हाय हाय, लड़का है कि खरबूजा, ख्याल लाए कहीं मीठा ना निकला है। या तुमसे ज्यादा मीठा तो नहीं हो सकता। बात सुने वकील साहब, आप ना मुझे ज्यादा टच मत किया करें। हाँ ओहो, क्या हो गया? वो तुम्हें तुम्हारे इखलास की वजह से कह रहे हैं। जाओ देखो कोई आए दरवाजे पे। आ गए, आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, तशरीफ रखिए सुल्तान साहब। मेरा सुल्तान। ये बताएं कैसे आना हुआ? ये कैसा सवाल हुआ? हम जानते हैं ना ये किस लिए आए हैं सुल्तान। अरे मेरा मतलब है कैसे आए हैं, मतलब रक्षा से, बस से, टैक्सी से कैसे आए हैं?
जी मुझे मेरे दोस्त छोड़कर गए हैं। अरे है, आपकी बातों की वजह से हमें अपने बिल्ली के बच्चे याद आ गए। वो क्यों? उनकी हरकतों की वजह से हम भी उन्हें छोड़ाए थे। तुम मंदिर जाओ, जाके चाय बनाओ। चाय के साथ क्या लेंगे? बस जी दो चार आप ही काफी रहेंगे। अच्छा ये बताइए कि आप अब तक अकेले क्यों? भाई हो सकता है अभी तक मुनासिब रिश्ता ही ना मिला हो। नहीं मैंने आपसे पूछा नहीं ना। आप चुप रहिए जी, फरमाइए। जी मैं अकेला नहीं, मेरे अम्मी अब्बू हैं। अच्छा तो वो आए क्यों नहीं? वो बाहर होते हैं। लो जवान जहान बल्कि अधेड़ उम्र औलाद को छोड़ के घर से बाहर हैं, भला बताइए। मेरा मतलब है वो मुल्क से बाहर होते हैं। तो मुल्क में कुछ नहीं कर सके, वो मुल्क से बाहर क्या कर लेंगे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए मैं यहाँ रिश्ते के लिए आया हूँ, सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नहीं। अच्छा ये सब कुछ छोड़े हैं, बताएं कि जमीन और आसमान के बीच में फासला कितना है? नहीं मालूम ना। चले ये बताएं कि रोशनी किस रफ्तार से सफर करती है? क्या 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 ये भी नहीं मालूम। अच्छा बताइए कि अगर केटू के पहाड़ की ऊंचाई शुमाल की जानिब से नापी जाए तो उसकी ऊंचाई कितनी निकलेगी? देखिए मैं यहाँ जहनी आजमाइश के प्रोग्राम के लिए नहीं आया। लो भला बताओ। अरे शादी से बढ़कर जहनी आजमाइश का प्रोग्राम और क्या होगा? आप जा सकते हैं। इलाज कर भाई। जी वो मेरा सुल्ता। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दिनों बाद आपकी शायरा आपके साथ। पिछले दिनों में मैंने एक मोहब्बत की कहानी सुनी और मुझसे रहा नहीं गया। फिर आज कुछ इसी सिलसिले पे कहना है कि जिंदगी प्यार है या झरनों का उतार है? नहीं ये उतार नहीं, बुखार है। और बुखार भी कैसा अनार है, यही एक अनार है जिसके पीछे 100 बीमार है। तुझे किसका इंतजार है, क्या तुझे भी इससे प्यार है? मिटा दे अपनी हस्ती, दबोड़ अपने कश्ती। समंदर में पानी है, मौजों की रवानी है, और यही जिंदगानी है। जिंदगी बहार है, क्या अब भी उससे प्यार है? अल्लाह हाफिज एवरीवन। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शबाना, शबाना, शबा सर जी कहाँ की तैयारी है? क्या किसी नई मोहब्बत ने अंगड़ाई ली है? अरे नहीं नहीं, ये तो मैं शबाना के लिए लेकर। अरे देखो तुमने इतना अच्छा कल पढ़ा, ये तुम्हारे लिए मुझे लाना पड़ा। तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम्हें भी कोई इस तरह से फूल दे? ऐसे फूलों से तो फूलों की चादर अच्छी। अरे क्या हो गया, शबाना का शुमार दौरे हाजिर के मुख्तलिफ यानी अलग थलग शायरों में से होता है। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने, इतनी अलग है कि इन्हें कोई बुलाता ही नहीं। अलग और बिल्कुल थलग। मुझसे खौफजदा है इसलिए नहीं बुलाते। अरे भाई तुम्हारे लफ्जों में वो तासीर है जो जो रूप फैज और गालिब के लफ्जों में कहा। आपकी इस बात से भी मैं बिल्कुल तायीद करूंगा, अगर ये रूप फैज और गालिब ने देख लिया होता तो वो होते ही ना, तबही मौत के बजाय उनकी इल्मी और अमली मौत वाकई हो चुकी होती। आप सब लोग यहाँ हैं, वैसे कल आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा, आज की चाय मेरी तरफ से। एक बात तो बताओ अरूस के बारे में क्या जानती हो? मैं ऐसे किसी लड़के को नहीं जानती। या खुदा मैं शायरी के मीटर की बात कर रहा हूँ। वैसे अगर शायरी में मीटर होता तो कितना बिल आता? पता नहीं कितना बिल आता, इनका कोई बिल नहीं आता। क्यों नहीं आता? कुंडे पे चल रही है ना, नाजायज कनेक्शन। ज्यादा जलने से ना जिंदगी में दिन कम हो जाते, जलना बंद कर दो और पहले कुछ करके तो दिखाओ। जैसा कि क्या करते हो, बच्ची को नाराज कर दिया तुम लोगों ने। बस वो अचानक फरीदा खानम साहिबा याद आ गई। क्यों आज नौरीन नहीं याद आई? नौरीन
आपको उनके बारे में कैसे इल्म हुआ? मैंने तो नहीं बताया उसके बारे में आपको। वो जिब्रान ने बताया था, अगर आप खुद बताते तो ज्यादा अच्छा लगता। वाकई आपको प्यार की कहानी सुनकर अच्छा लगता? प्यार आजकल करता कौन है, बस वक्त गुजारी होती है। लेकिन अगर आप प्यार की कहानी सुनाएंगे तो सुन के बहुत अच्छा लगेगा। लोग कहानियाँ सुन लेते हैं लेकिन ड्रामा कोई नहीं बनाता। इसकी एक बुनियादी वजह है। वो क्या? सेंसर पॉलिसी। अब ऐसी बात भी नहीं, एक बात दरियाफ्त करूं? पूछिए। उस दिन कौन आया था? उस दिन तो रिश्ता आया था। किसका? मेरा। फिर क्या हुआ? मैंने तो हाँ कर दी थी। थी क्या मतलब? मुझे उनमें कोई बुराई नजर नहीं आई, लेकिन वो जो अजीजुद्दीन है ना, उसने मना कर दिया। अरे भाई उसने क्यों मना कर दिया? जिंदगी आपकी, इख्तियार उसका। पावर ऑफ अटॉर्नी उसके पास है। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मैं अपने फैसले करने के लिए खुद मुख्तार नहीं हूँ। और अगर आप खुद फैसला कर लें तो? कभी इस बारे में सोचा नहीं। बातों बातों में टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ, इजाजत चाहता हूँ। कहीं ये भवरा भूल से किसी फूल की तलाश में तो नहीं? अब सारी तलाश खत्म हो गई। कैसी बातें करते हैं आप, मेरी तो सांस ही। ये कहाँ गए? मैं ऐसी शर्मा रही हूँ, कोई आया भी नहीं। शबाना, और आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैंने पूरा दिन हेलो एवरीवन मैं हूँ शबाना और आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या किया है। जिब्रान ये लड़की क्यों चीख रही है और किसको आवाज दे रही है? पहली दो आवाजें तो भूत की थी। नहीं, वो आवाज भूत की नहीं थी, शबाना की थी। मेरा मतलब है कि पहली दो आवाजों में तो भूत सुनाई दिया लेकिन चुड़ैल किसको कहा ये नहीं पता। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? मैंने ना खिड़की में चुड़ैल देखी। चलो ये तो कंफर्म हुआ कि कोई चुड़ैल है, वरना बेगम साहिबा तो सफाई देते कि थक गई थी। यू शट अप। एक चुड़ैल के इल्जाम से जान छूटी, उल्टा आप मुझे ही डांट रही है। मुझे कुछ नहीं पता, किसी आमिल को बुलाए। देखिए अगर आमिल को बुलाया ना तो एक कैरेक्टर और बढ़ जाएगा और बजट भी आउट हो जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं पैसे दे दूंगी। ये बात है, मेरे जानने वालों में एक आमिल साहब है लेकिन वो ऑनलाइन काम करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है लड़की। सदियां गुजर गई हमें इस कॉटेज में रहते हुए, अभी कोई नजर नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई। आमिल बाबा एडवांस पैसे लेकर काम करेंगे। तो मैं दे दूंगी, मैं पैसे दे दूंगी। कोई जरूरत नहीं डरने की, अगर डर लगे तो मेरे कमरे में आके सो जाना। अब डर तो नहीं लग रहा लड़की? गुड, डरना मना है। अगर कसाई से 20 रुपए की फेफड़े मांगे ना तो वो अपना सदका निकाल कर दे देगा,
150 रुपए किलो है। तौबा तौबा, फेफड़े का ये रेट 150? ये जो आपके अजीजुद्दीन है, क्या ये पहले क्रिकेट खेला करते थे? क्यों? 52 नॉट आउट चल रहे हैं। सीधी तरह बात कर, समझ नहीं आ रही। ओहो भाई, अब तक 52 लड़कों का रिश्ता जो है ना मुस्तरद कर चुके हैं। लड़के ना हो गए, ताश के पत्ते हो गए, फेंटी जा रही है, फेंटी जा रही है। लाइए मेरी मेहनत की कमाई। बास आएगा भाई, ये लो। ये तो बहुत कम है। तो आइडिया किसका था? अच्छा, तो ये बात है। जी यही बात। मेरे पास भी एक आइडिया है। वो क्या? मैं सारी बात शबाना को बता देता हूँ। मजाक कर रहा था ना, तुम सीरियस हो जाते। ये लो। शुक्रिया। अच्छा, इस घटियापन की जरूरत नहीं है, पैसे मिल गए ना, जाओ। और तैयारी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फौरन तैयार हो जाओ। किसके लिए? मुझे यहाँ की मार्केट्स का पता नहीं, मदद अगर मेरी हो जाए तो। नहीं नहीं, मैं मदद नहीं कर सकती, लेकिन रहनुमाई जरूर कर सकती। ओह माय गॉड, मुझे उनमें कोई बुराई नजर नहीं आई, लेकिन वो जो अजीजुद्दीन है ना, उसने मना कर दिया। अरे भाई, उसने क्यों मना कर दिया? जिंदगी आपकी, इख्तियार उसका। हाँ बोलो। अरे तुम फिक्र मत करो, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, सब कुछ मेरे हाथ में है। बस एक बार रिश्ता तय हो जाने दो, फिर देखना। या अल्लाह, खैर ये कौन सा जलजला आ गया? और ये तुम क्या शबनम की तरह होके भर रहे हो? बहुत बुरा ख्वाब दिखा है मैंने। बेवक्त सोने का यही नतीजा निकलता है। अरे जो ख्वाब मैंने देखा है ना, दुआ करें उसका नतीजा ना ही निकले तो अच्छा है। कोई बात नहीं, जाके ठंडे पानी से मुंह धो, सेट हो जाओगे। अरे लाए पैसे दे, सबके के फेफड़े लेकर आऊं मैं। ठीक है, दराज से 20 रुपए ले लो। 20 रुपए? अगर कसाई से 20 रुपए की फेफड़े मांगे ना, तो वो अपना सदका निकाल कर दे देगा। 150 रुपए किलो है। तौबा तौबा, फेफड़े का ये रेट 150? इसको तो सुन के कलेजा मुंह को आ रहा है। और जो ख्वाब मैंने देखा, अगर मैंने वो बता दिया ना, तो कलेजा मुंह को आने के बजाय फट के बाहर आ जाएगा। अच्छा ज्यादा बातें ना कर, मगरिब का टाइम हो गया, चीले चली जाएंगी। फिर क्या होना है? यही होना है, तूने डंडी मारनी और सदका भी खुद हड़प कर जाएगा। एक तो बेगम साहब, आप ये शक करने की आदत जो है ना, ये कभी जाएगी नहीं। जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। तुम मेरी मोहब्बत का यकीन क्यों नहीं करती शबाना? आखिर कब तक मैं तुम्हें अपनी चाहत का यकीन कराता रहूं शबाना, आखिर कब तक? ओए खबरदार, जो मेरा नाम लिया, तुमने मेरा सारा सीन बर्बाद करवा दिया। तो इस सीन में बाद ही क्या था? और ये तुम किसकी परमिशन से मेरा नाम ले रहे हो? राइटर की। वो तो खुद किसी और का नाम लेता होगा। तुम्हें कैसे मालूम? अक्सर राइटर्स यही करते हैं। देखो, किसी की अदाकारी छुप छुप कर देखना ना, बहुत बुरी बात होती है। पता है, ये अपनी भोंडी एक्टिंग ना तुम छुप कर ही करना, कहीं सामने वाले को छुपना ना पड़ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, और जो तुम शायरी करती हो उसे क्या कहते हैं? अच्छा, तो तुम मुखालफत भी करते हो, फिर फॉलो भी करते हो हैं? ऐसे लोगों को ना निसना कहते हैं। अच्छा, और चुड़ैल से डरने वाले को क्या कहते हैं? तुम्हारे सामने चुड़ैल आए ना, तो तुम्हें डर का पता चलेगा। आ जाए, चुड़ैल खड़ी है मेरे सामने। और वैसे भी ना, उस चुड़ैल ने तुम्हारी शायरी सुन ली थी, इसीलिए वो सामने आ गई थी कि मैडम चुड़ैल मैं हूँ, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? हेलो जी अम्मी। हाँ अम्मी, मैं एक दो दिन में पैसे भेज दूंगी।
ठीक है। ये क्या है? इसमें कुछ पैसे हैं, रख लो। तो मैं क्या करूं? देखो, तुम्हारी अम्मी परेशान है, उनको भिजवा दो। नहीं, हरगिज नहीं। देखो, हमसायों के कुछ हुकूक हैं, ले लो प्लीज। प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। तुम्हारी शायरी की हरगिज तारीफ नहीं करूंगा। चलो ये तो मान लिया कि मैं एक शायर हूँ। तुम आखिर मेरी मोहब्बत का कब यकीन करोगी शबान? अच्छा बस फ्री मत हो, 2-3 दिन में पैसे वापस लौटा लूंगी। अच्छा ठीक है, ये लो। एक बात कहूं? खबरदार जो कोई घिसी पिटी लाइन बोल दिया। नहीं नहीं, I'm sorry. अरे बेगम साहिबा, हम अपनी बात थोड़ी कर रहे थे, हमें तो आपकी फिक्र खाई जा रही है। चलो अच्छा है, कुछ मुख्तलिफ तो खाया, वरना हर वक्त मुफ्त की रोटियां ही खाता रहता। एक बात बताएं बेगम साहिबा आपको। क्या? हमें खिलाना तो सदका जारिया है। सही कहा, हमारा सदका जारिया है और तुम्हारे पास सदका आ रही है। अरे हम वो नहीं कह रहे थे। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आपके अजीजुद्दीन है, क्या ये पहले क्रिकेट खेला करते थे? क्यों, 52 नॉट आउट चल रहे हैं? सीधी तरह बात कर, समझ नहीं आ रही। ओहो भाई, अब तक 52 लड़कों का रिश्ता जो है ना मुस्तरद कर चुके हैं, लड़के ना हो गए ताश के पत्ते हो गए, फेंटी ही जा रही है, फेंटी ही जा रही है। ज्यादा शक ना किया कर, सही इतना टांका लगा, ये कैसे काम कर रहा है, इतनी खराब पढ़ाई कर रहा है। आपकी सारी बातें जो है ना सिर्फ हमारे लिए ही रह गई है, हम शक नहीं कर रहे, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। हैला सालन जल रहा है, हम आते हैं। बात तो सही कर रहे। अरे आओ आओ आओ, काफी दिनों से तुम्हारी शायरी सुनने को नहीं मिली, चलो इसी बहाने कुछ शायरी हो जाए। वो तो मैं सुना दूंगी, लेकिन पहले मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अब वो क्या? यही कि आप मोहब्बत का बहता हुआ दरिया हैं। अब इस बात का इससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, बिल्कुल है। देखिए मैंने ऐसा महसूस किया है जैसे कि खैर ऐसा की आंखों में ना आपके लिए प्यार है। नहीं भाई नहीं, ऐसा ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं लड़की हूँ, मैं इन बातों को बेहतर बता सकती हूँ। मुझे मोहब्बत रास नहीं होती, मैंने आज तक जिसको चाहा मुझे छोड़ के चली गई। तो आपने थोड़ी जाना है, मोहब्बत तो उनकी आंखों में है ना। नहीं भाई, मैं
मैं नहीं करता मोहब्बत शब्बत नहीं, मैं मानता ही नहीं भाई ये बात। देखिए मेरा काम था आपको बताना, अब एक बार हिम्मत करके ना अपना दिल का हाल बता दो। कब से कहना चाहिए? मैं कहना चाह रहा हूँ कि आई किन कामों पर लगा रहे हो तुम लोग मुझे, हैं? क्या रही है? देखें मेरा काम था आपको समझाना। बाकी आपकी मर्जी, क्या मर्जी? बात तो मैंने भी की नहीं। अरे अरे सुनो तो, ये तो बता दो कि उसकी आंखों में सिर्फ मेरे लिए प्यार था। देखिए मैंने ऐसा महसूस किया है जैसे कि खैर ऐसा कि आंखों में ना आपके लिए प्यार है। मुझे मोहब्बत रास नहीं होती, मैंने आज तक जिसको चाहा मुझे छोड़ के चली गई। क्या बात है, तुम दोनों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हम दोनों को तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखिए कोई भी बात करनी हो लेकिन एक चीज का ख्याल रहे, दिलरुबा कॉटेज का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। हाँ अजीब आदमी हो तुम, बात करने बुलाया, कोई डांस पार्टी थोड़ी करनी है। हैला कसम से अगर डांस पार्टी हो जाए ना तो कितना मजा आएगा, वैसे भी कई दिन हो गए मैंने आजा की शायरी नहीं देखी। कौन आदमी है? मैं रेनबो सेंटर जाऊंगा, वहां से मेमोरी कार्ड में तुम्हारी आजा की शायरी और ये दीवान विवान सब ले आऊंगा। और अगर मेमोरी कार्ड में सब कुछ रह गया तो? ऐसे करो मैं गांव तक क्या ले आती हूँ। वो क्यों? ताकि ये तुम लोग का माहौल पूरा बच जाए। कैसी बातें कर रही हो तुम? अबे तो तुमने उसको इसलिए बुलाया? ये कैसी जबान इस्तेमाल कर रही है आप? अबे तो ये जो तुम दोनों कर रहे हो है ये क्या है? अच्छा तुमसे ना एक जरूरी बात करनी है, हम दोनों ने एक प्लान बनाया और चाहते कि तुम हमारे साथ शामिल हो। नहीं नहीं नहीं, मैं बेगम साहिबा को जहर नहीं दूंगा। हाँ। ओ, 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 जहर नहीं देना है, मशवरा देना है। मशवरा? कैसा मशवरा और किसका मशवरा? देखो हम सबको ना वकील साहब से खतरा है। तो मुझे क्यों बुलाया है? तैयार तेरी पूरी बात तो सुन लिया कर, आओ इधर आओ बैठो हम बताते। अरे वाह, आपकी दाना डालने की आदत गई नहीं। आप और इस वक्त छत पर? जी मैंने सोचा कि ताजा हवा खा लूं। बहुत अच्छा सोचा आपने, दरअसल मेरी आदत बचपन से है। जो बचपन तक चल रही है। जी कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। मैं अल्लाह की मखलूक से बहुत प्यार करता हूँ और जानवरों से भी उतने ही। आप बातें बड़ी माकूल करते हैं, लेकिन कोई परिंदा कोई कबूतर दाना खाने आ नहीं रहा। आप आ गए ना वो भी आ जाएंगे। आ जा भाई, बार बार जा रहे हैं ऊपर से। बहुत आते हैं हम। ओहो वो देखो आ रहे हैं। वैसे तो आ गए ये। आ आ आ आ आ आ आ जा जिब्रान। ओ भाई जिब्रान मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अरे भाई क्या हो गया, कोई कबूतर तो आया नहीं दाना खाने, अब जिब्रान के पीछे पड़ गई। वैसे इतनी बेताबी से जिब्रान को याद क्यों कर रहे हैं? वो दरअसल मैं कुछ कपड़े और राशन गुरबा में तकसीम करने जा रहा हूँ, तो सोचा ये काम जिब्रान के हाथों हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इन बातों का कितना ख्याल रखते हैं। करना पड़ता है, 500 मुरब्बे जमीन और 2 शुगर मिल्स हैं बस। आप एक काम करें, अपने मालियाती और माहौलियाती गोशवारी की फहरिस्त जो है ना वो व्हाट्सएप कर। फिलहाल जो काम करने जा रहे हैं वो कर लें। चलता हूँ मैं, जरा मुझे जरा रास्ता देंगे आप? नहीं, एग्जिट वहाँ है। ओह अच्छा 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 अच्छा, आओ चलें। अच्छा जी।
थैंक यू। अरे भाई अश्मा साहब कैसे हैं? कौन से प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है आजकल? एक नया प्रोजेक्ट है, उसी पे काम चल रहा है आजकल। अच्छा, आप तो सकुल भंवरे चल रहे हैं? भंवरे नहीं, भंवर में चल रहा हूँ। हाँ सुना है, वो आपका पिछला प्रोजेक्ट भी फ्लॉप हो गया था। फ्लॉप होता है, हर एक का होता है ना, तो किसी एक का कभी नहीं हो सकता। और जो किसी के माल पर काबिज होना चाहता है वो भी किसी का नहीं होता। ना ना, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। देखो भाई ये जिंदगी है, इसकी अपनी चाल है, जो वक्त पे चल जाए ये उसी की हो जाती है। अच्छा, कहीं चाल चलने के चक्कर में अपनी चाल ना बिगाड़ लेना। फिर गुस्सा, फिर गुस्सा। अब भाई इस उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, क्या समझे? किराएदार हो, समझ गए? अच्छा, तू कौन सा मालिक है? मालिक ना सही, पर चलती तो अपनी है। देख लूंगा तू। अबे चल चल तो। हार में लेकर घूमना चाहिए, किसी को भेज कर मंगवाते थोड़ी हैं फूल। जैसे ये कली बता रही है तेरे चमन का फसाना। मैं ऊपर जा रहा हूँ, चाय भेज दो। अरे अभी कहाँ से आप ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ कि अब आपका ऊपर से नीचे आने का वक्त हुआ चाहता है। क्या मतलब? मतलब ये कि कब तक हाथ में लेकर घूमते रहेंगे ये फूल? आप हिम्मत करके दे भी दें। किसको? हाय हाय माँ सत्य, हकीकत से डायरेक्ट फूल लेकर आ गए यहाँ। मैच फिक्स होने से पहले मैच का हाल बता दिया और अब पूछ रहे हैं कि मैच किसका है। मैं अब मजीद किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहता। तो मत होना, हिम्मत करके इजहार कर दें। सच तो यह है कि किसी को खोने का हौसला भी नहीं है मुझमें। अरे खोने के बारे में सोचना छोड़िए ना, होने के बारे में सोचिए। मुझे लगता है कि इस बार नौरीन धोखा नहीं देगी। अब ये नौरीन बीच में कहां से आ गई? अब देखिए ना, जब पुरानी मोहब्बत झुंझलाने लगे तो समझ जाइए ना कि नई मोहब्बत अंगड़ाई लेने वाली है। हर वक्त छिछोरा मजाक अच्छा नहीं लगता। तो फिर आप ही बता दीजिए किस वक्त मजाक किया करूँगा। नौरीन मेरे ख्वाब में आई थी। अच्छा, क्या कह रही थी? सबका देना छोड़ दो ये कह रही। निकल लो अभी की अभी, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दफा हो जाओ यहां से। अब देखो तुम्हें थिएटर में कोई काम तो नहीं मिल रहा, तुम्हें सोच रहे हो ये यूट्यूब चैनल ना हम दोनों चलाएं। अरे अश्विन साहब, क्या हुआ? कोई बात हो गई? हाँ। अरे वाह, कब हुई थी? क्या जवाब मिला? तुम जो समझ रही हो ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो कौन सी बात हुई? वकील से झगड़ा हो गया। कौन से वकील? उसी अजीजुद्दीन से। लो गई भैंस पानी में। तो किसने कहा था लड़ने को? पता नहीं किसने। तो फिर क्या जरूरत थी लड़ाई करने की और सारी गेम बर्बाद करने की? नहीं नहीं, मैं कल मेहरुनिसा से बात कर लूंगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? हाँ, और अपने वकील की मर्जी के बगैर तो वो आपकी बात मान लेंगी, है ना? बड़ा शातिर होता है वो, बना बनाया खेल बिगाड़ देगा। चलो सोचो जरा क्या करें। आइए आइए, बड़ी देर की मेहरबान। आते आते एक बयान में कई बयान। अबे आपको एक बात बतानी थी। जी बताइए। वो मेरे घर वाले मान गए। किस बात के लिए? यही कि तुम अपनी पसंद की शादी कर लो। मेरी पसंद की शादी से आपके घर वालों का क्या ताल्लुक? अरे उन्होंने मुझे कहा है। ओहो, तो कोई लड़की पसंद आई? जिब्रान देखो कौन आया है। अरे भाई आदि के रिश्तेदार होंगे, कल इतनी जोर से जो उन्हें याद कर रही थी। जाके देखो। अरे आइए वकील साहब आइए, बस आखिरी सीन चल रहा है, जल्दी से पैकअप करवा दीजिए, हमें अगली शूट पर भी जाना है। खैरियत है साहब? आज बगैर फूलों के ना एक आध हार हमारे लिए ले आते यार। अरे तुम्हारे लिए एक नहीं, हार ही हार है। वाह हशमत साहब वाह, क्या जज्बात दिखाएं।
थोड़ा और जोर से निकाली। जिब्रान खामोश रहो तुम। जिब्रान लाहौल बना होता। खैर उनसा, क्या तुम मेरी जिंदगी में खैर का सबब बन सकती हो? हशमत साहब, हाथ मांगे खैरात ना मांगे। बस अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी, बहुत नाटक हो गया। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप जिंदगी के फैसले खुद करें खैर निशा, इसीलिए तो मैं आज तक खैर को मना करता आया हूँ। तो फिर आप हशमा साहब से लड़े क्यों? पर मैं दरअसल इन्हें चेक कर रहा हूँ। खैर निशा, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। हशमत साहब, आपका सीन तो ऑन हो गया, अब हमारे अम्मा अब्बा से भी बात कर लेना। चुप कर, पहले मेरा फैसला तो हो जाए। मुझे 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 हशमत कबूल है। लेकिन अब हमारा क्या होगा? सारे खेल तो हमने ही बनाए, लेकिन किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। खैर निशा का वादा है कि तुम दोनों की शादी भी इसी घर से हो। एक वादा करो, कुछ भी करो करना, लेकिन शायरी नहीं। मेरी शायरी के बारे में कुछ मत बोलो। ये होता है परफेक्ट मैच। अच्छा एक बात बताइए, बेगम साहब तैयार है? इन दोनों की तैयारी भी मुकम्मल, ये गम का मारा किसके सहारे जिंदगी गुजारेगा? अरे मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी।